अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद और यकीन है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम शादो आबाद रखे, आमीन। नहीं तो जैसे मेरी लास्ट वीडियो थी वो भी आप सबको बहुत पसंद आई न्यू प्रोडक्ट्स की। आज भी मैं लेकर आई हूँ कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो कि लेडीज़ के लिए तो है ही ज़बरदस्त, क्योंकि जैसा हमारा घर है वो मैनेज ही इन प्रोडक्ट्स से हो जाता है और बहुत ही यूनिक स्टाइल में हैं। बहुत ही कारामद प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, यह है स्प्रे बॉटल्स। जी हाँ, ये स्प्रे बॉटल्स नहीं है, इसमें आप ऑयल डाली हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्प्रे के ज़रिए यूज़ करनी हो, जो आपने कम क्वांटिटी में यूज़ करनी हो, वो चीज़ इसमें ऐड करें। जैसा कि मैंने ऑयल यूज़ किया है, इसमें ऐड किया, और ये ऑयल जब भी आपने किसी भी चीज़ को ग्रीसी करना हो तो तब हम देखते हैं कि कोई ब्रश हो या फिर हाथ की मदद से या फिर टिशू की हेल्प से हम करते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपने डाला, स्प्रे किया और अपना वर्क कर लिया। सेकंड प्रोडक्ट है ये, देखें, ज़बरदस्त चॉपर, बहुत ही मज़े का चॉपर है ये। इसमें 3 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, यानी कि 3 किलो का आप इसमें सामान इसके बाउल में डाल सकते हैं, उसे अच्छे से चॉप कर सकते हैं। ये 2 कलर में है, जैसे कि ब्लू और एंड ग्रीन। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल के आए हैं, ये स्टील में है, स्टेनलेस है और बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि जो इसकी क्वालिटी है बहुत मज़े की है। ये जल्दी आपका ख़राब नहीं होगा, किसी किस्म की इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि अगर हम प्लास्टिक में लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिरने की वजह से जार उसका टूट जाता है। मेरा भी ऐसा ही हुआ कि जार टूट गया, उसके बाद मेरी जो है मोटर बच गई। उसके बाद मैंने जो है जुगाड़ तो खैर मैंने उसके साथ भी लगाया, मेरी वो वीडियो इसमें मौजूद है, मैंने दोबारा से उसको कारामद बनाया। बट उसकी निस्बत मुझे ये ज़्यादा पसंद आया कि ये स्टील का है, गिरे भी तो कोई इसमें ख़राबी ना आई। और देखें ज़रा, इसके 3 स्टैंड हैं, स्लो, लाइट एंड फुल, और बहुत मज़े से, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा इसमें चॉप होता है। जो भी आप चॉप करना चाहें वो बड़े मज़े की चीज़ है ये प्रोडक्ट तो मेरे तो दिल को भा गई, और इंशाल्लाह ज़रूर जल्द ही परचेज़ करूँगी, आप भी कीजिए। सेकंड ये है, इसका न्यू स्टाइल का है ये, यानी कि उसके डिफरेंट है, इसका स्टाइल डिफरेंट है, उनका स्टाइल डिफरेंट था। इसे भी आपको ब्लेंड करके दिखाया जा रहा है कि इसे में भी चॉप बहुत मज़े का होता है, और इसकी जो सी ये मोटर है बहुत हैवी वेट की है। जी हाँ, ये हैवी वेट है, आप जल्दी से करें, दराज पर इसका ऑर्डर दें और परचेज़ करें। न्यू हैं तो इस वजह से अभी ये रिजनेबल प्राइस में है, फिर इसके प्राइस भी बढ़ा दिए जाएंगे। सेकंड ये देखें, अपने ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज़ करें, एक ही इसमें देखें कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, आप क्या क्या नहीं इसमें रख सकती। तकरीबन आपके तमाम प्रोडक्ट्स इसमें आ सकती हैं मेकअप की, देखो मेकअप का तो सामान ही बहुत ज़्यादा होता है, पर इसमें तमाम समा गया है। थर्ड पर आ जाती है ये प्रोडक्ट, देखें कितने मज़े की है। इसमें आप स्पून की मदद नहीं है, आपको चाहिए आप जितना लेना चाहें वो इसकी मदद से नमक मिर्च जो भी आप इसमें लेना चाहें वो ले सकती हैं, और स्पून के बग़ैर ही, ना ढक्कन खोलने का झंझट, ना किसी चीज़ का, ना आपकी कैप गुम हो, ना कुछ भी नहीं, यानी कि बहुत मज़े की मुझे ये प्रोडक्ट लगी। यकीनन आपको भी पसंद आई होगी, जल्दी से बाय करें और अपनी लाइफ आसान करें। थर्ड पर आ जाता है ये जो सा इलेक्ट्रिक क्या वो है राड है, ये भी बड़े मज़े की है, आपका चूल्हा बड़े मज़े से चलेगा इससे, ना माचिस की तीलियों का खर्चा ना कुछ। और ये जो सा है ये तो क्या ही बात है, रूम में रखें, इसके अंदर परफ्यूम इधर या जो भी आप हो यानी खुशबू इसमें ऐड करना चाहें वो करें और इसे ऑन कर दें, देखें आपका कमरा कितना महक जाएगा। ये सिलिकॉन की डिश है, इसमें आप आई क्यूब ईज़िली जमा सकती हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं और बहुत ईजीली इसमें से रिमूव भी हो जाते हैं। अब इस बोतल को देख लें, इसके अंदर 3 बोतल साइज हैं आपको, 3 यानी कि 3 in 1 मिलेंगे ये। अभी आपको ये खोलकर भी दिखाई जा रही है वीडियो में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं 3 साइज़ है, और इसके अंदर मेंशन है इसके जो से है कि कितने लीटर कितनी चीज़ आपको यूज़ करनी है, वो तमाम इसके अंदर मेंशन है। अच्छी है, यानी कि कभी भी आपको किसी भी इस किस्म की बोटल्स की ज़रूरत हो, किसी भी किस्म
कहीं जाने के लिए आपको ठंडे पानी के लिए ज़रूरत हो, गर्म पानी की ज़रूरत हो, तो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। और इसका स्टैंड देखें, स्टैंड में आप अपना मोबाइल भी कैरी कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं, स्टैंड के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। अब आ जाती है बात कटर की। ये डिफरेंट कटर जो से हैं, किस्म के कटर्स हैं। स्लाइस भी इसमें आप कर सकती हैं, आप बारीक चॉप भी कर सकती हैं, जैसा भी आप चाहें। आप पटाटो जो से हैं बॉईल किए हुए अगर मैश करना चाहें वो भी कर सकती हैं। अगर आप चिप्स के रूप में कटिंग करना चाहें चिप्स के लिए, तो वो भी कटिंग हो सकते हैं। बहुत अच्छा कटर है, मज़े का है, ये आप परचेस कर सकती हैं। अच्छा है, यूनिक है, आपको बहुत हेल्प देगा। फिर आ जाती है ये प्रोडक्ट, इसकी भी क्या ही बात है। जैसे आपको बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लगाएं हो इसमें जो मर्ज़ी आप कैरी कर सकते हैं। जैसा कि गरम मसाला जैसे आपको दिखाया ही जा रहा है, इसमें दालें, गरम मसाला, नमक, मिर्च, जीरा, जो भी यानी कि आप इसमें रखा जाए। इसका एक तो ये रखे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, प्यारे लगते हैं। सेकंड, आपके जो सेल्फ हैं वो साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, उसमें किसी किस्म का बॉक्स वगैरह नहीं होता। और ख़ूबसूरती तो आती ही आती है, वो चीज़ जो से महफूज होती है वो अलग ही बात है उसकी। तो यानी कि आपका किचन का जो सा किचन है वो क्लीन एंड ब्यूटीफुल लगेगा। इससे जो से ये है, यह बॉक्स भी आपको दिखाया जा रहा है। आप इसमें आटा भी रख सकते हैं, आप इसमें चावल भी रख सकते हैं अपनी, यानी कि जो भी आपकी ज़रूरत के तहत हो आप वो काम इससे ले सकते हैं। मज़े का बॉक्स है वो। सेकंड पे आ जाता है, फिर ये आ गया कटर। ये भी इसके लिए आपको कटर कटिंग करने के लिए, वरना हमें अलग से बाउल लेना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, उसमें बहुत से झंझट होते हैं। जबकि ये जो सा बाउल है ना, ये जार के साथ है, नीचे बाउल है और ऊपर कटर, जो सा मर्ज़ी अपनी पसंद का उस पर सेट करें और आराम से उसमें उसी में आप कश करें और काम आपका हो गया। अब आ जाता है नंबर इस वाले कटर का। कटर बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं, एक से बढ़कर एक आया हुआ है। और जो चाहता है कि ये छोड़ें, ये लें, ये लें, बस क्या ही बात है। इस कटर की देखें आप, क्या मज़े की चीज़ है। ये आजकल सर्दियों में तो बहुत ज़रूरतमंद है, क्योंकि अगर आपको करनी है गाजर कश करनी है, या मूली के पराठे खाने हैं, मूलियाँ कश करनी हैं, आलू के पराठे खाने हैं, आलू कश करने हैं, तो और गाजर का हलवा तो बनता ही बनता है सर्दी में, वो कश करने के लिए क्या ही बात है, मज़े की चीज़ है। आराम से घुमाएं और मज़े से लें। जैसा भी स्लाइस बनाना चाहें आप, वैसा ही स्लाइस इसमें बन जाएगा। इसके कटर भी चेंज होते हैं। मज़े की बात तो यही है इसकी कि जो सा मर्ज़ी कटर इसमें लगाएं और आप इसे यूज़ करें। किचन की अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद हों, तो यकीन जानिए कि किचन का वर्क, ये समझ लें कि आधा तो हो ही जाता है इन मशीनों के थ्रू। आपका टाइम बहुत मैनेज हो जाता है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, और जो सी किचन में खूबसूरती आती है, सिमटा सिमटा सा लगता है, वो एक अलग ही बात है, उसकी एक अलग ही लुक है। अब आ जाते हैं हम इस बॉक्स की तरफ। ये बॉक्स देखें कितना मज़े का ये बॉक्स है, आपको ये भी पसंद आए। लेडीज़ का जो सा मेकअप का सामान है हमारा, वो नहीं सिमटता है, क्योंकि पहले तो हमें अगर ड्रेसिंग के घर में मौजूद है तो ड्रेसिंग सेट करनी है, और अगर कहीं जाना है तो उसे कैरी करने के लिए हमें बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। और ये बॉक्स ऐसा है कि इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, और देखें यूज़ के देखें कितने मज़े की, जहाँ भी आप इसे रख पाएँ और देखें अंदर कितनी सारी चीज़ आ रही है, और जो सा वेट है वो बिल्कुल नहीं है। और आप इसमें रखें और अपने बैग में, हैंड बैग में, या फिर यानी कि सूटकेस वगैरह में रखें, आराम से कैरी करें। सेकंड बैग भी इसी चीज़ का है, आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे वो आप लीजिए। इसमें ये ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हम लेडीज़ के पास होती भी हैं, और दिल भी चाहता है और की। और इसमें ज्वेलरी जो चीज़ है वो सेटिंग करना बहुत ईजी है, और ज्वेलरी जब तक हो तो उसे संभालना करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और अगर इस किस्म के हमारे बॉक्स बॉक्स हों तो इसे एक संभाला अच्छे से जा सकता है, कि इसमें वजन भी ना आए और ज्वेलरी भी हमारी सिमट जाए, ब्लैक भी ना पड़े। जब तक हम उसे अच्छे से रखेंगे नहीं, उसे सेव नहीं करेंगे, तो वो सेव रहती नहीं है, ब्लैक पड़ जाती है वेट आने से उसके ऊपर, तो उसके एयररिंग्स वगैरह के जो से हैं एंगल्स वगैरह मुड़ जाते हैं। अगर इस किस्म के बॉक्सेस में उसे संभाल के रखा जाए तो आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होती, ख़राब होने से बचत हो जाती है। और जब आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत पड़ने पर
ये मिल भी जाती है बासानी कि जो सी आपने लेने चाहे, वरना तो बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, ये वाला नहीं वो वाला शॉपर। अगर आपके इस तरीके से बॉक्स में सेटिंग हुई हो तो ये जो सी हैं मसले मसाइल नहीं आते। बॉक्स खोलें, जो सा भी यूज़ करना है वो यूज़ करें और इसे सेव कर दें। अब आ जाते हैं, ये देखें, ये भी घर की ज़रूरत है। जी हाँ, ये घर की ही ज़रूरत है। इसमें आप जो मर्ज़ी कैरी कर सकते हैं। अगर आप रूम में रखें तो बच्चों की कॉपियाँ वगैरह वो भी इसमें कैरी कर सकते हैं। वो बच्चों को आदत डालें कि हाँ जी, यहाँ से चीज़ उठानी है, यहाँ पे आपने कॉपियाँ रखनी हैं। अल्लाह हाफिज़।